हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हर बंदे के मन में आता है जब वो नया मोबाइल खरीदता है। तो दोस्तों होता क्या है, मान लो आप हैं या मैं हूं, अगर मैंने मन बनाया कि यार मुझे सैमसंग का मोबाइल खरीदना है, तो वहां पर आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, यार कौन सा मोबाइल लूँ, ए सीरीज लूँ, एम सीरीज लूँ या एफ सीरीज लूँ। सबसे ज्यादा ये मन में आता है, एफ सीरीज नहीं भी आता हो तो एम या एम सीरीज का तो 100% सबके मन में आता होगा यार कि कौन सा मोबाइल लूँ, कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो ए सीरीज है और एम सीरीज है, ए सीरीज बोल सकते हैं कि ए सीरीज एक प्रीमियम फोन में आ जाती है, या बोल सकते हैं मिड रेंज फोन में आता है, प्रीमियम तो नहीं बोल सकते, मिड रेंज फोन में आ जाती है। और जो एम सीरीज है ये लो रेंज में आ जाती है, या बोल सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाती है, जिसको इजीली अफोर्डेबल प्राइस में एम सीरीज आती है। ठीक है, मेजर डिफरेंट तो ये हो गया। और सबसे बड़ा डिफरेंट ये है, एम सीरीज जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ही सेल आउट होता है, ऑफलाइन बहुत कम ही लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन ही ज़्यादा सेल होता है, तो और उसमें ऑफर्स भी ज़्यादा रहते हैं। बट ए सीरीज जो हैंडसेट होते हैं ये ऑफलाइन ज़्यादा जाता है। सबसे मेन चीज़ इसका जो डिज़ाइन होता है, ए सीरीज का डिज़ाइन और फीचर्स में देखा जाए तो ए सीरीज ज़्यादा बेस्ट होता है। आप देखेंगे तो ए सीरीज का जो डिज़ाइन होगा थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का, स्लिमनेस को लेके और भी डिस्प्ले क्वालिटी को लेके और हर चीज़ में देखा जाएगा तो ए सीरीज ज़्यादा बेस्ट लगेगी कैमरे को। बट एम सीरीज में भी अगर आप देखेंगे तो उसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा रहता है और बैटरी तो ए सीरीज से काफ़ी अच्छी रहती है। बट अगर आप उसको देखेंगे तो देखने में इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता, बट यह नहीं कह सकते कि बेकार लगता है, बट ए सीरीज के मुकाबले इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं रहता, थोड़ा मोटा सा रहता है क्योंकि बैटरी ज़्यादा हैवी रहती है तो थोड़ा दिखने में मोटा सा भी रहता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ए सीरीज ज़्यादा बेस्ट होती है एम सीरीज से। मैं ये इसलिए चला रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ए सीरीज में क्या रहता है, तो सबसे पहली बात ए सीरीज में आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो कि एम सीरीज में आपको नहीं मिलते। लाइक यहाँ पर सबसे पहला जो ए सीरीज में मेन फीचर डिफरेंस है वो है नॉक सिक्योरिटी का। नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट आपको एम सीरीज में नहीं मिलता है। आप एम सीरीज में देखेंगे, अभी रिसेंटली कोई मोबाइल में आ गया हो तो बाकी पीछे जो पहले मोबाइल थे एम सीरीज में, किसी में भी नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट नहीं मिलता। नॉक सिक्योरिटी क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है सैमसंग का, जो कि आपको ए सीरीज में और एच सीरीज में सभी मॉडल्स पे आपको ये प्री इंस्टॉल्स मिलता है, तो सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी का। उसके बाद जो सेकंड जो फीचर होता है वो है सिक्योर फोल्डर का, जो भी आपको एम सीरीज में नहीं मिलता। सिक्योर फोल्डर भी एक तरीके से एक प्राइवेसी स्पेस होता है, जिसमें आप अपने हिसाब से डेटा को वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ए सीरीज में ही मिलता है, आपको एम सीरीज में नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो फीचर है बिक्सबी सपोर्ट। बिक्सबी सपोर्ट भी आपको नहीं मिलता एम सीरीज के अंदर, ये भी आपको ए सीरीज में मिलता है। जो मेजर आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ये है, बिक्सबी एक गूगल असिस्टेंट की तरह होता है, जो कि सैमसंग के डिवाइस के लिए ही बनाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है, जो कि मैंने यूज़ भी करे हुए हैं ऑलरेडी, इस पर बहुत सारी मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, जाके आप देख सकते हैं, पर बहुत अच्छे से वो यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैमसंग पे का सपोर्ट एम सीरीज पे नहीं मिलता, वो भी आपको ए सीरीज पे ही मिलेगा, सैमसंग पे बिल्कुल नहीं चलता एम सीरीज पे। उसके बाद एक और जो मेजर डिफरेंस है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स आपको एम सीरीज पे नहीं मिलता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सिर्फ आपको ए सीरीज और एस सीरीज में ही मिलते हैं और एम सीरीज में नहीं मिलता। एक आध मॉडल में किसी में आ गया हो तो बात अलग है, बाकी आपको एम सीरीज में प्रेयर केस में नहीं मिलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस थे दोनों में। दोनों के अगर आप देखेंगे प्रोसेसर एम सीरीज का भी अच्छा रहता है, ऐसा कह नहीं सकते कि एम सीरीज भी बेकार है। अगर एम सीरीज अगर आप नॉर्मल यूजेज हैं, आपको ज़्यादा उसका स्टाइलिश शेप वेप नहीं करना, तो आप एम सीरीज प्रीफर कर सकते हैं। बट अगर आप सैमसंग लवर हैं और आपको सैमसंग से रिलेटेड या फीचर्स आपको नए नए आपको अच्छे लगते हैं और नए अपडेट्स भी आपको जल्दी चाहिए हैं, तो आप ए सीरीज प्रीफर करेंगे, क्योंकि जो नए अपडेट्स हैं वो भी एम सीरीज पे डिले आते हैं, बहुत देर से आते हैं, बट ए सीरीज में आपको पर मंथ सिक्योरिटी अपडेट्स और बाद में आपको वन यूआई का भी अपडेट वहां पर आपको मिलता रहता है, तो ए सीरीज ज्यादा बेस्टर है। और मोबाइल की रेट की बात करी जाए, पैसों की बात करी जाए, तो ऑब्वियसली ए सीरीज ज़्यादा महंगी आती हैं, क्योंकि ए सीरीज ऑफलाइन आती है, तो ऑफलाइन में आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर ऑफलाइन बेचने जाते हैं तो उसमें होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर सब लोग बीच में आते हैं, तो सबका भी कुछ भी रहता है। और ए सीरीज जो रहती है वो ज़्यादा कॉस्टली इसलिए भी रहती है क्योंकि उसका डिज़ाइन, स्लिम, थिकनेस
और उसमें फीचर भी एड ऑन किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ए सीरीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है एम सीरीज़ के मुकाबले, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कौन सी सीरीज़ अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अभी ए सीरीज़ के ही मॉडल यूज़ करे हुए हैं, एम सीरीज़ भी मैंने थोड़ा सा यूज़ करा था, बट मुझे एम सीरीज़ ज़्यादा बेस्ट नहीं लगा, ए सीरीज़ ही बेस्ट लगा। और उसमें आपको गुड लक जो ऐप होती है सैमसंग की, उसका सपोर्ट भी आपको एम सीरीज़ में नहीं मिलता, वो भी आपको ए सीरीज़ में ही मिलता है। मतलब कि जो प्रीमियम फीचर्स हैं, या भी बोल सकते हैं जो जो फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसको आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को मॉडिफाई अच्छे से कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो आपको एम सीरीज़ में नहीं मिलता है। ये स्टोरियो स्टोरियो आपको स्पीकर भी वहाँ नहीं मिलते हैं। ये कुछ मैंने आपको सैमसंग ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के डिफरेंस बताए, जो कि मुझे लगते हैं मैंने आपको बताया। इनमें से मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है कि ए सीरीज़ ज़्यादा बेस्ट है। देखिए दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो नोटिफिकेशन वाली को, और साथ में अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।